बिहार की सियासत से, बिहार की राजनीति से बहुत बड़ी खबर आई है। देखिए, आरजेडी नेता श्याम रजक का बड़ा दावा, जेडीयू के 17 विधायक हमारे संपर्क में हैं। श्याम रजक की ओर से बड़ा दावा किया गया है, जल्द ही 17 जेडीयू विधायक आरजेडी में शामिल हो जाएंगे। नीतीश सरकार गिराना चाहते हैं जेडीयू एमएलए। देखिए, ये बहुत बड़ा दावा किया गया है। नीतीश जी की परेशानी बढ़ती जा रही है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हावी हो रही है, उसका जीता जागता उदाहरण है कि अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यू के 6 एमएलए को उन्होंने अपने निगल लिया भारतीय जनता पार्टी ने, और जिस तरह से बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से फैसले ले रही है और जिस तरह से अंकुश लगाने का काम कर रही है, जो मुख्यमंत्री के दायित्व होते हैं उसका भी हावी होकर करके भारतीय जनता पार्टी उस तरह के फैसलों का घोषणा कर रही है, ये अपने आप में जनता दल यू के जो एमएलए हैं वो सब परेशान है, और कुछ हारे भी बीजेपी के कारण, तो ये सारे चीज आ रहे हैं। और यही कारण है कि एमएलए अब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हम हॉबी नहीं होने दें, और वो लगातार वो इस तरह की जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं उससे साथ जाना चाहते हैं, समाजवादी आंदोलन के या समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए उनके साथ जाना चाहते हैं। देखिए, अभी बिहार विधानसभा में सीटों की स्थिति क्या है वो भी आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि फिलहाल अगर नीतीश कुमार अपना पाला बदल देते हैं तो स्थिति किस तरीके से वहां पर बदल जाएगी। देखिए, बीजेपी प्लस जेडीयू प्लस वीआईपी प्लस हम यानी 125 हो गए, आरजेडी प्लस कांग्रेस प्लस वाम 110 हो गए, और देखिए एआईएमआईएम ने 5 सीटें निकाली है, आरएलपी को 1 मिली है, जबकि अन्य के खाते में 2, यानी कि टोटल 3 हो गई, यानी वहां कुल विधानसभा सीटों की जो संख्या है वो 243 है। अब देखिए, अब नीतीश ने अगर पाला बदला तो वहां पर हालात क्या बनेंगे ये भी समझिए। आरजेडी प्लस कांग्रेस प्लस वाम यानी कि 110 हो गया, अगर ये सब एक साथ हम इनकी गिनती करें, जेडीयू प्लस हम यानी कि 47, कुल संख्या अब तक जो होती है वो होती है गठबंधन की 157, यानी बहुमत के 122 के आंकड़े से 35 ज्यादा है, तो वहां पर कुल मिला के कुछ ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है।